आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसमें आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस कोई सीजनेबल बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस पूरी साल चलने वाला है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, ये बिजनेस कभी बंद होता नहीं है और सदा चलने वाला है। इस बिजनेस को आप केवल चाहे तो 3500 रुपयों से भी स्टार्ट कर सकते हो और हर महीने 1.5 लाख के आसपास इनकम कर सकते हो। अब 1.5 लाख के आसपास आप इनकम कैसे कर सकते हो, क्या है बिजनेस, वो कैसे आपको करना चाहिए, सारी जानकारी, माल कहां से खरीदे, कैसी क्वालिटी का खरीदे, क्या खरीदे, GST लाइसेंस, इन सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट बिजनेस सीख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अभी भी ये तय नहीं कर पा रहे हो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, या आपके दिमाग में ये सारे सवाल है कि मैं माल कैसे बेचूं, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाऊं, इन सारी जानकारी के लिए मैंने 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। आपको आई बटन लिंक मिल जाएगी, ये वीडियो देखने के बाद उन वीडियो को आप जरूर देखना। आज हम बात करने वाले हैं सुपारी के बिजनेस के बारे में। सुपारी यानी कि बेटल नट, बेटल नट का बिजनेस बहुत ही बेस्ट बिजनेस है और इन बिजनेस के लिए कई मित्र कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि भी सुपारी पर एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं सुपारी पर। घर में, पूजा पाठ में और पान मसाले की दुकान में सुपारी का बहुत यूज होता है। मार्केट में कई सारी सुपारी मिलती हैं, जैसे कि वसराज है, मोरा है, मोती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके मार्केट में कौन सी सुपारी अभी चल रही है, यानी कि अभी बिक रही है, लोग खा रहे हैं कौन से टाइप की सुपारी, वो आपको सबसे पहले देखना है। फिर बाद में आपको तय करना है कि मुझे इस टाइप की सुपारी को खरीदना है। अब सुपारी खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, पहले हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सुपारी खरीदने से पहले ये देखना है कि ये सुपारी बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी इन पर कोई जंग वगैरह लगने नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पुरानी सुपारी होती है तो वह खराब होती है और फिर वो मार्केट में आगे आप उनको ठीक से बेच नहीं पाओगे। तो आपको बहुत पुरानी सुपारी नहीं खरीदनी है, आपको नई सुपारी खरीदनी है। और ज़्यादातर ये बातें इंपोर्ट में ज़्यादा होती है, क्योंकि जब सुपारी इंपोर्ट होती है तो कंटेनर में कई दिनों तक वहाँ पड़ी रहती है, तो फिर वो खराब हो सकती है। तो आपको ऐसी कोई खराब सुपारी नहीं खरीदनी है। अब हम बात करते हैं सुपारी आपको भारत में कहाँ मिलेंगी। देखिए, अगर आपको सुपारी खरीदना है तो भारत में ज़्यादातर आपको आसाम है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, वैसे और भी कुछ छोटे मोटे स्टेट हैं जहां आपको सुपारी बड़ी ही आसानी से और जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी। सुपारी को इंडोनेशिया और श्रीलंका से इंपोर्ट भी किया जाता है। आसाम में आपको बारपेटा, सिलचर और ज्यादातर गुवाहाटी में भी सुपारी आपको मिल जाएगी। तमिलनाडु में सलीम में आपको सुपारी मिल जाएगी। और अगर आपको इम्पोर्ट सुपारी चाहिए तो ज्यादातर आपको नागपुर में इस टाइप की बहुत सुपारी मिल जाएगी, क्योंकि नागपुर में बहुत बड़े बड़े होलसेलर सुपारी के हैं, तो आपको वहां से भी सुपारी मिल जाएगी। कर्नाटक में आपको मैंगलोर पुट्टूर से भी सुपारी आपको मिल जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं कि सुपारी के बिजनेस को आपको कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, सुपारी में अगर आप चाहो तो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आप 10 टन 20 टन की गाड़ी मंगवाओ, पूरा गाड़ी माल, और अपने ही यहाँ होलसेलर को पूरी की पूरी सुपारी बेच दो, तो इसमें आपको 10 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर इस टाइप का आप करना चाहते हो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से तो भी कर सकते हो, मगर आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट वाला और सुपारी कटिंग वाला बिजनेस। देखिए, मार्केट में जो सुपारी लोग खा रहे हैं वो कोई पूरी तो खा नहीं सकता, तो उनको कट किया जाता है, फिर वो खाने के उपयोग में होती है। तो आप ये सुपारी कटिंग का बिजनेस कर सकते हो। देखिए, सुपारी बिजनेस का कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको सुपारी खरीदनी है, जो मैंने अभी बताया कि इस टाइप में से आपको अपने मार्केट में जाओ, आपके मार्केट में कौन सी सुपारी चलती है उस टाइप की सुपारी को आपको, उन वेराइटी की सुपारी आपको खरीदनी है। दूसरा, सुपारी खरीदने के बाद आपको मशीन खरीदनी होगी सुपारी को कटिंग करने के लिए। अब देखिए, सुपारी में जो कटिंग है वो बहुत तरह से सुपारी को कटिंग किया जाता है, कोई एक टाइप का होता नहीं है, जैसे डायमंड कटिंग है, वैसे गुटका कटिंग है, मुमरी कटिंग है, चिप्स भी अलग अलग टाइप के चिप्स से उनको कटिंग किया जा सकता है, तो बहुत टाइप से कटिंग सुपारी में किए जाते हैं। अब हर सिटी में अलग अलग टाइप का कटिंग चलता है, जो पान मसाला बनते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप की सुपारी का, अलग अलग टाइप के जो पान मसाला बनते हैं उनमें अलग अलग टाइप की कटिंग वाले सुपारी को यूज़ किया जाता है।
तो आपको अपने मार्केट में जाकर देखना है कि भी हमारे यहाँ पान मसाला में किस टाइप का कटिंग किया जा रहा है, तो उस टाइप की कटिंग करने वाली मशीन आपको मंगवानी है, क्योंकि मशीनों में कई तरह की मशीन आती हैं, अलग अलग कटिंग के लिए अलग अलग मशीन भी आती हैं। जैसे अगर आपको चिप्स बनाना है तो चिप्स वाली मशीन को आप सिर्फ चिप्स बना सकते हो, फिर उनमें आपको डायमंड कटिंग नहीं कर सकते। तो बाकी जो डायमंड कटिंग या गुटखा कटिंग इस टाइप की जो अगर आपको कटिंग करना है तो आपको झाली वाले मशीन लाने पड़ेंगे। तो जो झाली वाला मशीन आता है इनमें अलग अलग टाइप की झाली आती हैं, जैसे चार पांच झाली आती हैं, तो छोटी से लेकर बड़ी तक आप इनको कटिंग कर सकते हो। तो और इसमें थोड़ा ये भी रहता है कि जो सुपारी है उनमें से कोई 5-10% वेस्ट जाएगा, यानी कि बहुत ही बारीक पाउडर हो जाएगा जो सुपारी का कटिंग करते वक्त, तो फिर वो कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए काम का नहीं रहेगा, तो वो आपको 10% वेस्ट मान के चलना है। यानी कि आप 1 किलो सुपारी कटिंग कर रहे हो तो उनमें से आपको 850 से 900 ग्राम के आसपास ही एकदम सुपारी मिलेंगी, बाकी वेस्ट में चला जाएगा। तो मशीन खरीदते वक्त आपको ये भी देखना है, और मशीन में भी कई मशीन ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम वेस्ट करती हैं और कई मशीन में वेस्ट ज़्यादा होता है, तो आपको ये पहले देख लेना है कि भाई इन मशीन में कितना वेस्ट आता है, उन हिसाब से आपको मशीन खरीदनी है। देखिए अगर मशीन की बात करें तो मशीन में कई तरह की मशीनें आप किस में खरीद सकते हो, जैसे मैनुअल मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। अगर हम प्राइस की बात करें मशीन में तो कोई 5-6 हज़ार या इनसे भी कम प्राइस में आपको छोटी मैनुअल मशीन मिल जाएगी। और अगर ऑटोमेटिक मशीन की बात करें तो इस टाइप की ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो आपको 30,000 से लेकर 45-50,000 के आसपास मिल जाएंगी। और इस टाइप की जो मशीनें हैं वो ज़्यादातर जो ऑटोमेटिक मशीन है वो 1 HP या 1.5 HP के आसपास होती हैं और वो बिजली से चलती हैं और वो ज़्यादातर सिंगल फेज बिजली से चल जाएगी, यानी कि आपके घर में जो लाइट आती है उनसे भी आप इनको चला सकते हो। अब इन बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे करना है, देखिए मान लीजिए आपने मशीन ले लिया, अब बारी है सुपारी खरीदने की। तो जैसे मैंने बड़े बड़े मार्केट बताए कि वहां से आपको सुपारी मिल जाएगी, मगर आप तो 10 या 15 किलो से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब 10 किलो आपको सुपारी खरीदनी है तो कोई इतने बड़े बड़े मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, हर सिटी में आपको सुपारी के बड़े बड़े होलसेलर मिल जाएंगे, तो इन बड़े बड़े होलसेलर के पास से आप सुपारी खरीद सकते हो। और अगर हम रेट की बात करें तो अभी इनका जो होलसेल रेट है वो 320 रुपये से लेकर 370 रुपये के बीच में चल रहा है, यानी कि इनके बीच में आपको सुपारी बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। तो अपने नियर सिटी में जो होलसेल बड़े हैं उनके पास से आपको पहले स्टार्टिंग में खरीदना है और धीरे धीरे स्टार्ट करना है। कंपनी का जो मशीन है उनको आपको ठीक तरह से समझ लेना है, फिर आपको परचेज करना है। वैसे तुरंत आपको याद आ गया और चलो मशीन ले लिए कल लेकर आ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको अलग अलग टाइप के मशीनों वाली कंपनियों से बात करनी है, पूछना है, उनके मशीन देखने हैं, रेट वगैरह देखने हैं, कम से कम प्राइस में जो मशीन देगा उनको आपको लेना है। देखिए अब सुपारी कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कटिंग करने के बाद उनके छोटे छोटे पैकिंग बनाने हैं, जैसे कि 500 ग्राम का है, किलो का है, 2 किलो का है, इस टाइप का आपका पैकिंग बनाना है। और आपको जाना है अपने नियर मार्केट में जो भी पान मसाला वाले जो होते हैं, जो पान मसाला बेचते हैं, उन लोगों के पास जाना है, क्योंकि वो लोग पान मसाला में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे पान मसाला चलता है गुजरात में, मावा चलता है इस टाइप का, गुजरात में बहुत प्लास्टिक के वे पत्ती पर ये सब करके चलता है, तो इन लोगों को आपको बेचना है। अब देखिए छोटे छोटे पान वाले को आपको माल देना है, आप पर डे के हिसाब से जा सकते हो या 2-3 दिन में एक बार जा सकते हो। मान लीजिए आपने मशीन खरीदी तो आप एक दिन मैन्युफैक्चर करें और दूसरे दिन आप बेचने के लिए जाए, 2 दिन बेचे, फिर 1 दिन मैन्युफैक्चर करें, फिर 2 दिन बेचे, आप उस टाइप से कर सकते हो। आप डेली भी माल दे सकते हो या 1 दिन छोड़ के माल बेच सकते हो। आपको स्टार्टिंग में कोई बड़े बड़े होलसेलर के पास नहीं जाना है, आपको छोटे छोटे पान मसाला वालों के पास जाना है, उनको माल बेचना है। अब देखिए अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जो इस टाइप की जो मशीनें आती हैं वो ज़्यादातर कंपनी ऐसा बोलती हैं कि हमारी मशीन 25 किलो से लेकर 30-35 किलो पर घंटे सुपारी कटिंग करती हैं, मगर हम इतना बहुत ज़्यादा नहीं मान रहे। चलिए अगर हम 20 किलो समझते हैं कि भाई ये जो मशीन है जो 45-50 हज़ार के आसपास की जो मशीन आएगी फुल ऑटोमेटिक, ये आपको 1 घंटे में कम से कम 20 किलो सुपारी कटिंग करके दे देंगी। अब 10 घंटा अगर आप इसमें काम करोगे तो आप इनमें से 200 किलो सुपारी कट कर सकते हो, और इन 200 किलो सुपारी को अगर आप मार्केट में बेचने जाओ तो आपको कम से कम 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का प्रॉफिट पर किलो आपको मिलने वाला है। मगर हम 30 रुपये मान के चलते हैं तो भी ये 200 किलो में आपको 200 × 30 यानी कि 6,000 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। अब पूरे महीने आप काम करोगे
तो आपको कम से कम 1.5 लाख का प्रॉफिट आपको इनमें आसानी से मिलने वाला है। अब 40-45 हज़ार की आप मशीन खरीदो और हर महीने 1-1.5 लाख रुपये इनकम मिले तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। अगर हम GST की बात करें तो इन बिजनेस में आपको 5% GST भरना है। बाकी ये खाने के प्रोडक्ट है तो इनमें आपको FSSAI का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही छोटे पेमेंट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में ही कोई GST नंबर या FSSAI का लाइसेंस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप तो बस ऐसे स्टार्ट कर दो, कुछ समय तक अपना बिजनेस करो, फिर आपको लगे कि हाँ ये ठीक बिल्कुल ठीक चल रहा है, फिर आप FSSAI का लाइसेंस भी ले सकते हो, आप MSME रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, GST नंबर भी ले सकते हो। मगर ध्यान रहे, अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप आउट ऑफ स्टेट में माल अपना नहीं भेज सकते हो। आप मंगवा सकते हो मगर भेज नहीं सकते, तो इन माल को आपको आउट ऑफ स्टेट तो भेजना है नहीं, अपने लोकल मार्केट में बेचना है। तो स्टार्टिंग में GST नंबर की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। मसाला पर और ड्राई फ्रूट पर मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो सेक्शन में जाइए और भी दूसरी हमारी वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हो। तो कैसा लगा आज का ये बिजनेस आइडिया मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर करना। और अगर भाई आप वीडियो में खो गए, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।